एक ऐसा शिवलिंग जिस पर हर 12 साल में बिजली गिरती है। और क्या आप ये जानते हैं कि लोगों को सुबह उठाने की भी जॉब होती थी? और क्या हो जब एक जंगली भैंसे और शेर की लड़ाई हो जाए? ऐसे अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आपने पोर्टेबल स्विमिंग पूल तो देखा होगा। एक बार किसी ने अपने बैकयार्ड में 1000 गैलन यानी कि कुछ 3700 लीटर का पोर्टेबल स्विमिंग पूल भरकर रखा। वो पूरी फैमिली अंदर गई और अंदर आके वापस बैकयार्ड में तो उन्होंने देखा कि उनका स्विमिंग पूल चोरी हो गया है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बैकयार्ड में एक भी बूंद पानी नहीं गिरा था। आखिर पूरा भरा हुआ स्विमिंग पूल कैसे चोरी हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि जिस टाइम घड़ियों का आविष्कार हुआ था उस टाइम वो बहुत महंगी हुआ करती थी, तो उस टाइम नॉकअप नाम की एक जॉब होती थी जिसे इंसानी अलार्म भी कहा जाता था। तो जिन लोगों को सुबह जल्दी उठना था वो नॉकअप्स को पैसे दे देते थे, तो नॉकअप्स सुबह आकर उनके खिड़की और दरवाजों पर डंडे मारा करते थे उन्हें उठाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि 1880 में थाईलैंड की महारानी डूब कर मर गई थी और उनके नौकर उन्हें डूबते देख रहे थे, पर किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि सारे नौकरों को ये इजाज़त नहीं थी कि किसी भी राज परिवार के सदस्य को वो छू सकें। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ हर 12 साल बाद शिवलिंग पर बिजली गिरती है और खंडित शिवलिंग को पुजारी मक्खन से जोड़ देता है और उस मंदिर का नाम है बिजली महादेव मंदिर। आप ये जानते होंगे कि शेर बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर लेता है, भारी भरकम जंगली भैंसे का भी। ये जंगली भैंसा ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं, पर जैसे ही कोई भैंसा अपने झुंड से अलग होता है वैसे ही वो शेर का शिकार हो जाता है। पर कभी कभी शेर को इसका शिकार करना भी बड़ा महंगा पड़ जाता है। जब किसी भैंसे का शिकार होता है तो वो मदद की गुहार लगाता है, तो भैंसे का सारा झुंड उसकी मदद करने पहुँच जाता है और फिर तो अकेला भैंसा ही शेर की हालत खस्ता कर सकता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।